नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमनदीप और हिमाचल फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 19 सितंबर। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फॉर्म फिल नहीं किए तो ऊपर दिए आई बटन में क्लिक करके इसकी सारी जानकारी देखें और जल्द से जल्द इन फॉर्म्स को फिल कर लें और अपनी आगे की प्रेपरेशन को शुरू कर दें। और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोजाना आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज की कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजीव गांधी उच्च शिखर प्रशिक्षण केंद्र यानी कि हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर में 6 लेन वाला सिंथेटिक ट्रैक का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही जवाब है केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी। दोस्तों जय सिंथेटिक ट्रैक शिलारो हुके स्टेडियम जिसे नेताजी सुभाष हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर से जाना जाता है वहां पे बिछाया गया है। जय ट्रेनिंग सेंटर शिमला से तकरीबन 52 किलोमीटर दूर शिलारू में स्थित है जो कि समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पे है। इसका उद्घाटन सन 2010 में तत्कालीन केंद्रीय खेल मंत्री श्री MS गिल द्वारा किया गया था। यह ट्रेनिंग सेंटर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा रन किया जाता है जहां पर अलग अलग स्पोर्ट्स जैसे कि एथलेटिक्स, हॉकी, बास्केटबॉल, स्केटिंग और बॉक्सिंग आदि की ट्रेनिंग दी जाती है। अब जहाँ पर 6 लेन सिंथेटिक ट्रैक भी बिछा दिया गया है। अगर बात की जाए श्री अनुराग ठाकुर जी तो वो केंद्रीय खेल मंत्री यानी कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है और वो सन 2019 के इलेक्शन में लगातार चौथी बार हमीरपुर की लोकसभा सीट से MP चुने गए थे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ऊर्जा प्रबंधन यानी कि एनर्जी मैनेजमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च करके एक सिंगल एनर्जी ट्रेडिंग डेस्क बनाने जा रही है? तो इसका सही जवाब है 200 करोड़ रुपए खर्च करके यानी कि 200 करोड़ रुपए की मदद से। इस एनर्जी डेस्क के एस्टेब्लिश हो जाने के बाद हिमाचल प्रदेश एनर्जी संबंधित 3 मुख्य इकाइयां जिनमें डायरेक्टरेट ऑफ एनर्जी, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड इकट्ठे मिलकर एनर्जी मैनेजमेंट पे काम करेंगे जिससे बेहतरीन एनर्जी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी बनाई जा सकेगी और बेहतरीन तरीके से एनर्जी को सेल और परचेज किया जा सकता है जिससे हिमाचल प्रदेश सरकार का रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ का साथ हम ग्रीन एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को भी प्रमोट कर सकेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के थर्ड एंड लास्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 2 दिवसीय ग्रे घोस्ट MTB साइकिलिंग प्रतियोगिता यानी कि साइकिलिंग चैंपियनशिप चल रही है? तो इसका सही जवाब है जिला लाहौल स्पीति के बरबोग में। इस प्रतियोगिता में देश भर के जाने माने खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और हाल ही में अंडर 14 चैंपियनशिप में हिमाचल प्रदेश के शिमला में रहने वाले हर्ष वर्मा ने पहला स्थान हासिल किया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।